भारत विश्व में स्टेनलेस स्टील हाउसवेयर और पाइप उत्पादन और खपत का बहुत बड़ा बाजार है। 132 करोड़ की जनसंख्या वाला देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। यहां 300 बड़ी सिटी और 46 मेट्रो सिटी हैं, जिनकी आबादी लगभग 10 लाख से 2 करोड़ है। यहां स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक, सिरामिक, मेलेमाइन, एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक हाउसवेयर, स्टेनलेस स्टील पाइप, रॉ मटेरियल और मशीनरी बनाने वाले लगभग 7 से 10 हजार तक इंडस्ट्रीज हैं। 90 हजार डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है, जो 2 लाख रिटेलर्स के माध्यम से 130 करोड़ लोगों तक आपके उत्पादन पहुंचाते हैं। स्टील मार्केट इन्फो अपने 10वें इंडियन स्टेनलेस स्टील हाउसवेयर शो विद ट्यूब एवं रॉ मटेरियल का आयोजन 20 से 22 जुलाई 2019 को देश के नवगठित तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में करने जा रहा है। आंध्र प्रदेश और अलग हुए राज्य तेलंगाना की आबादी लगभग 8 करोड़ 49 लाख है। हैदराबाद भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी और कानूनन आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है। यहां रॉ मटेरियल की 2 और हाउसवेयर निर्माण की 2 बड़ी एसोसिएशन हैं, जिनके सदस्य लगभग 1000 हैं। यहां विश्व के सभी ब्रांड और स्टोर्स के बैंक हाउस के ऑफिसेज और शोरूम्स हैं। यह भारत की सबसे पहली और सबसे अच्छी हेरिटेज सिटी है। हैदराबाद भारत की दूसरी आईटी सिटी और दूसरा सबसे अच्छा व्यापारिक शहर भी है। विश्व बैंक ग्रुप के अनुसार हैदराबाद में भारत के अन्य उपनगरों से अधिक आर्थिक क्षेत्रों की संख्या बताई गई है। डीटीजेड रियल एस्टेट कंपनी के द्वारा दी गई रैंकिंग के अनुसार सस्ते व्यापारिक कार्यालय की दृष्टि से हैदराबाद विश्व में 3रे स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से हैदराबाद भारत में 4थे स्थान पर आता है। वहीं सबसे अधिक आबादी वाले शहरी समूह की दृष्टि से ये 6ठे स्थान पर है। साथ ही भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5वें स्थान पर सबसे बड़ा योगदान करता है। हैदराबाद इन सब विशेषताओं के अलावा भारत का 6ठा सबसे ज्यादा पूंजी जमा केंद्र और 4था सबसे बड़ा क्रेडिट सेंटर भी है। यहां पहुंचने और प्रस्थान करने के लिए हवाई मार्ग द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 478 हवाई जहाज प्रतिदिन लैंड और टेक ऑफ करते हैं। वहीं हैदराबाद से प्रतिदिन 659 ट्रेन देश के हर कोने को आपस में जोड़ती है, जिनमें प्रतिदिन 3,70,000 यात्री यात्रा करते हैं। लोकल आवागमन के लिए भी हैदराबाद की लोकल मेट्रो ट्रेन द्वारा लगभग 2.5 लाख यात्री आसानी से सफर करते हुए बहुत कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन 2,800 बसों द्वारा लगभग 95,000 यात्री हैदराबाद पहुंचते हैं। अगर हम 600 किलोमीटर में रात्रिकालीन यात्रा का अनुमान लगाएं, तो केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्यों के व्यापारी आसानी से शो का विजिट कर सकते हैं। इसीलिए हैदराबाद में आयोजित इस एग्जीबिशन में विजिटर्स के आने जाने के लिए बहुत आसान और आरामदायक सुविधाएं हैं। यहां ठहरने के लिए 28 फाइव स्टार्स, 38 यानी 38 फोर स्टार्स और 439 दूसरी मीडियम स्तर के होटल्स उपलब्ध हैं। स्टील मार्केट इन्फो के पिछले 9 शो में विश्व के 57 देशों में 269 विजिटर्स ने विजिट किया। वहीं 8 देशों के 89 एग्जीबिटर्स ने शो में भाग लेकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। इनकी संख्या हर शो में उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। भारत के 54 शहरों में 468 एग्जीबिटर्स ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर व्यापार में नई पहचान बनाई। वहीं 529 शहरों की 17,362 विजिटर्स ने शो को विजिट कर उत्पादकों से सीधा संपर्क करके अपने व्यवसाय को नई गति प्रदान की है।
स्टील मार्केट इन्फो शो प्रमोशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 86 ट्रेड एसोसिएशन के 1,06,721 सदस्यों के साथ सीधा संपर्क बनाए हुए हैं। स्टील मार्केट इन्फो मेटल मर्चेंट एसोसिएशन, फूड प्रोसेस मैगजीन, ऑल इंडिया स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन और स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन मुंबई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिफ्ट एक्सपो मैगजीन रसिया, लाइफ मीडिया मैगजीन तुर्की, हाउसहोल्ड एक्सपो मैगजीन रसिया, किचन एंड बाथरूम शो डायरेक्टरी इंडोनेशिया में एग्जीबिशन के एडवर्टाइजमेंट देती हैं और विश्व स्तर पर शो प्रमोशन के लिए विदेशी खरीदारों को आमंत्रित करने के लिए जापान, जर्मनी, यूके, यूएसए, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, तुर्की, हांगकांग, चाइना, इजिप्ट, साउथ अमेरिका में प्रमुख ट्रेड शो में भाग लेती है। हम देश के विभिन्न राज्यों में इस व्यवसाय से जुड़ी एसोसिएशन के साथ मिलकर प्रमोशन मीटिंग कर रहे हैं तथा उनके शो को जबरदस्त सपोर्ट भी मिल रहा है, जिनमें से श्री स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन हैदराबाद, मेटल मर्चेंट एसोसिएशन सिकंदराबाद, रानीगंज मेटल एंड स्टील एसोसिएशन सिकंदराबाद, स्टील मर्चेंट एसोसिएशन हैदराबाद, जो अपने सभी सदस्यों को विशेष तौर पर भाग लेने और विजिट करने के लिए शीघ्र सूचना भेजेंगे। सीने तारिका हेमा जी ने भी कहा है कि अच्छा, आप है ना शो पर, आपकी स्टॉल है ना वहां पर, अगर आप खरीदार हैं तो वहां बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स देखने को मिलेंगे, आपका निर्माता से सीधा संपर्क भी होगा और अच्छे ऑर्डर्स भी दे पाओगे। इस शो में बर्तन के साथ मशीनरी, रॉ मटेरियल, पाइप और फर्नीचर्स भी होंगे, आप जरूर आइएगा इस शो में, ये शो आपके बिजनेस को और गति प्रदान करेगा। इसी तरह महान अर्थशास्त्री श्री चाणक्य चंद्रगुप्त ने भी कहा है, नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है, और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं, पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएं वे, कुछ ना कर पाएं वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है, यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर ये संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। यदि आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं तो अवश्य ही ये एक बहुत अच्छा अवसर है, इसलिए आपको इस शो में जरूर भाग लेना चाहिए।